हेलो। हाँ नमस्ते राजेंद्र जी, अमित बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी जी मैंने आपसे एक हफ्ते पहले बात की थी वीट गेन के लिए और डेंटल इश्यूज के लिए। जी हाँ, तो मैं आपने जो बोला वो रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें एक गिलास पानी 1 घंटे पहले और 1 गिलास पानी खाते वक्त, करीबन हाँ जी 6 गिलास दिन का। तो हाँ जी उसे क्या हो रहा है, सलाइवा तो मुंह में रह रहा है, हाँ बट इशू ये आ रहा है, काफी दिनों से मैं खुद भी बेसिक एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ, जल्दी से स्लीपी और टायर्ड फील कर लेता हूँ। वॉक एंड रेस्ट कर रहे हैं क्या? हाँ वॉक एंड रेस्ट कर रहे हैं? नहीं, वॉक एंड रेस्ट की अपनी बात, एक्चुअली मैंने आपको बोला था कि मैं पहले से ही पुशअप्स और स्क्वाट्स और वो सब कर रहा था, तो आपने बोला था कि वही कंटिन्यू कीजिए और हाँ ज्यादा स्ट्रेच मत कीजिएगा, बट अभी तो मैं 2-3 सेट करता हूँ उसमें ही बहुत टायर्ड हो जाता, पहले ऐसे नहीं था। तो क्या ये डिहाइड्रेशन की वजह से होगा होगा या? नहीं, जब सलाइवा आ रहा है तो डिहाइड्रेशन तो नहीं है। बेसिकली आपको जो आपके वाइटल ऑर्गेन्स होते हैं वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने लगते हैं, तो होपफुली 2-4-5 दिन में, हफ्ते में ठीक हो जाएगा वो, एंड देन स्टेमिना विल शूट अप। क्योंकि अगर आपके, अच्छा। बेसिकली क्या होता है कि जो आपके बॉडी में एनर्जी बनती है ना, मेटाबॉलिक रेट, वो करीब करीब फिक्स रहता है शॉर्ट टर्म में। तो अगर मान लीजिए आप 2,000 कैलोरीज आपकी बॉडी में बन रही थी खाने से, तो वो 2,000 के करीब रहेगी। वॉक एंड रेस्ट या इस तरीके से जब रेस्ट लेकर एक्सरसाइज करते हैं, तो जैसे आपने 5 मिनट एक्सरसाइज किया, उसके बाद 10 मिनट रेस्ट किया या 5 मिनट रेस्ट किया, तो उस पीरियड में आपका मेटाबॉलिक रेट, जो एनर्जी का अपटेक होता है बाई वाइटल ऑर्गन्स, दैट गोज अप। तो शुरू के हफ्ते दस अच्छा दिन में थोड़ा सा थकान वगैरह होती है, जब तक आपका, क्योंकि जब वाइटल ऑर्गन्स ज्यादा एनर्जी लेते हैं तो धीरे धीरे करके फिर एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस भी होने लगती है, क्योंकि हार्ट अच्छे से पंप करेगा ब्लड को, तो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह बढ़ेगा। अच्छा तो तो पानी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत नहीं, अगर आप, अनलेस कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, आपको अगर स्लेवा है आपका, ज्यादा भी नहीं है, इनफैक्ट बेसिक एक्सरसाइज से ही थकान महसूस होती है। हाँ, तो वो फिर आप हफ्ता भर वेट करिए, वो ठीक हो जाएगा। वो यूजली होता है पहले हफ्ते में, एंड देन द राइट स्टेमिना शुड गो अप बाई एटलीस्ट 200-300% ओवरऑल। अच्छा, स्टैमिना इंक्रीज होना चाहिए। अच्छा हाँ, हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो 2-4 दिन स्टैमिना इंक्रीज हुआ वो कैसे पता चला, अगर मुझे आप थकान कोई भी महसूस ना हो? राइट, एक्सरसाइज, हाँ आप कोई भी खेलते हैं, भागते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। और ये स्लीप कितनी लेनी चाहिए, क्या चीज? सोना कितना चाहिए पूरे दिन में, अगर वेट गेन या एंड्योरेंस बढ़ाना हो तो? 7 to 8 hours तो सोना ही चाहिए। अच्छा, 7 to 8 hours। राइट, मेरी रात को 6 घंटा हो जाती है, बट दिन में 2 घंटा में भी करने चाहिए। और अगर रात को ही पूरा हो जाए तो अच्छा है, 7-8 घंटे का हो जाते हैं तो अच्छा है। अच्छा, राइट। ठीक अच्छा है। ओके, और डेंटल के लिए तो कुछ नहीं करना चाहिए ना? नहीं, आपका सलाइवा अगर रफली बन रहा है तो बस ठीक है, बाकी डेंटल के लिए कुछ नहीं करना है। अगर आप ब्रश वगैरह कुछ करते हैं तो उसको मिनिमाइज कर दीजिए, टूथपेस्ट मत यूज करिए, सिंपल ब्रश को यूज करके बस जो प्लैक होता है उसको रिमूव कर लीजिए, बस और कुछ नहीं। राइट राइट, ठीक है ठीक ठीक है, है, मैं फॉलो करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू।